फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स, क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट। हेलो एंड वेलकम टू क्रिकेट नेक्स्ट। चेन्नई और केकेआर के बीच खेला गया आईपीएल का 22वां मुकाबला और इस मैच में जीत दर्ज की है चेन्नई सुपर किंग्स ने। और ये जीत बड़ी जीत है क्योंकि ये जीत मिली है 7 विकेट से और इस जीत के कई हीरो रहे हैं, जिनमें सबसे पहला नाम है सीएसके के स्कीपर ऋतुराज गायकवाड़, जिन्होंने बैटिंग में अपना दमखम दिखाया। उसके पहले टॉस जीतकर चेन्नई ने सबसे पहले बॉलिंग का फैसला किया था और ये फैसला उनके लिए बहुत सही साबित हुआ और उनके लिए जीत के हीरो रहे रविंद्र जडेजा और तुषार देशपांडे, जिन्होंने अपनी बॉलिंग के दम पर केकेआर को चारों कान चित कर दिया था। और ओपनिंग जोड़ी में आए फिल सॉल्ट और सुनील रैन, वही पहली गेंद पर फिल सॉल्ट चलते बने और यहीं से कहीं ना कहीं जो ब्रेक थ्रू मिल गया था सीएसके को, उसको उन्होंने बहुत अच्छे से भुनाने की कोशिश की। और एक जिस तरह से नारायण अपना गेम खेल कर चलते हैं, उन्होंने भी सिर्फ 27 रन बनाए 20 गेंदों पर, तो स्ट्राइक रेट कहीं ना कहीं जिसकी नीड थी केकेआर को, जो एक आगे लेकर जाना चाहते थे इस पारी को, वो कहीं ना कहीं वो स्टार्ट नहीं मिली अपने टॉप ऑर्डर से। और सबसे बड़े टॉप स्कोरर रहे केकेआर के लिए उनके कप्तान श्रेयस अय्यर, जिन्होंने 34 रन बनाए मात्र 32 गेंदों पर। तो बहुत पुअर स्ट्राइक रेट के साथ सभी बल्लेबाजों ने बैटिंग की, जिसका नतीजा आपको 20 ओवर में सिर्फ 137 रन स्कोर बोर्ड पर देखने को मिले। और इसका पूरा श्रेय जाता है रविंद्र जडेजा और तुषार देशपांडे, इसके अलावा मुस्तफिजुर, जिन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी के साथ केकेआर को 20 ओवर में सिर्फ 137 रनों पर रोक दिया। और 137 रनों का टारगेट अगर आपके सामने हो और केकेआर, जो अगर आप मैच से पहले की बात करो जिस तरह से खबरें आ रही थी कि एक बैटिंग पिच है, लेकिन वहाँ पर जिस तरीके की बॉलिंग का कह सकते हैं प्रदर्शन किया सीएसके के बॉलर्स ने, वो काबिल तारीफ था। और सबसे बेहतरीन बॉलिंग तुषार देशपांडे, जो कि महेंद्र सिंह धोनी की खोज रहे हैं, उन्होंने बेहतरीन बॉलिंग के साथ वापसी की। कहीं ना कहीं बहुत बार इनको बैक में झेलना पड़ता है अपने एक्स्ट्रा रन के कारण, काफ़ी वाइड और नो बॉल फेंकते रहते हैं। रविंद्र जडेजा तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आउट ऑफ टच नज़र आ रहे थे, आज वो अपनी पुरानी लय में वापस आते हुए दिखे बेहतरीन गेंदबाजी के साथ। बैटिंग का तो मौका ही नहीं मिला क्योंकि स्कोर बोर्ड पर इतने रन नहीं थे, इस कारण उन्होंने जो उनको काम करना था उन्होंने बखूबी करके दिखाया। सीएसके को बेहतरीन ब्रेक थ्रूस दिला कर दिए और केकेआर को बहुत ही कम रनों पर स्ट्रिक करके रोक दिया। इसके अलावा अगर केकेआर की बैटिंग पर नजर डालें तो यहाँ पर कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं दिखा था जिन्होंने कुछ खास कमाल किया हो। और 137 रनों का स्कोर, 137 रनों का अगर टारगेट था, उसको अचीव करने के लिए सीएसके की कुछ खास मेहनत नहीं करनी पड़ी। रचिन रविंद्र, जो आज भी कहीं ना कहीं वो नहीं कर पाए जो जिसके लिए चेन्नई सुपर किंग्स फ्रेंचाइजी ने उन्हें खरीदा था, 15 रन बनाए मात्र 8 गेंदों में और वो कहीं ना कहीं स्ट्रगल करते हुए दिखे। वैभव अरोड़ा, जो केकेआर के लिए पिछले मैच के भी हीरो रहे थे, उन्होंने आज भी कमाल करके दिखाया। एक अच्छी बॉलिंग जरूर की, 2 ब्रेक थ्रूज उन्होंने दिलाए, लेकिन वो ब्रेक थ्रूज जब तक मिले हैं स्टार्टिंग में रचिन रविंद्र का विकेट मिलने के बाद, कहीं ना कहीं वो ब्रेक थ्रूज इतनी लेट मिले कि मैच केकेआर की गिरफ्त से वापस बाहर जा चुका था। तो 14 गेंदों शेष रहते ही सीएसके ने टारगेट अचीव कर लिया और इसमें सबसे बड़ी पारी खेलने वाले थे 67 रनों की पारी रुतुराज गायकवाड़, जिन्होंने 58 गेंदों पर ये पारी खेली और बेहतरीन बल्लेबाजी का मुजाहरा दिया, क्योंकि जिस तरह का टारगेट उनको अचीव करना था उस हिसाब से उन्होंने अपनी बैटिंग को मोल्ड किया और बहुत आसानी से विकेट न खोते हुए इस टारगेट को अचीव किया। और अब पॉइंट्स टेबल पर नज़र डालें तो आज केकेआर को इस पूरे आईपीएल सीजन में पहली हार का सामना करना पड़ा है। विनिंग स्ट्रीक आज उनकी टूट गई सीएसके के खिलाफ, क्योंकि वो होम ग्राउंड में खेल रहे थे और केकेआर जिस तरह से जिस लय के साथ मैच जीती हुई चल रही थी, ये काफ़ी बड़ी हार है उनके लिए। काफ़ी डिसअपॉइंट होंगे केकेआर के मेंटर गौतम गंभीर और ये कोच चरणकांत पंडित, तो यहाँ से कुछ और सोचने की कोशिश करेंगे। आप अगर पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो सीएसके भी और केकेआर दोनों के पॉइंट्स लगभग सेम है, लेकिन सीएसके 5 मैच खेल चुकी है, केकेआर ने अपना ये 4था मुकाबला खेला। सीएसके को अपनी ये 3री जीत मिली थी और केकेआर को मिली आज पहली हार। तो ये रहा है आज के मैच का कुछ हालचाल और 7 विकेट की जीत के साथ चेन्नई आज बहुत खुश होंगे और अपने इस जीत के साथ अपने प्रदर्शन को और सुधारना चाहेंगे और जितना भी अभी सीजन बचा हुआ है उसमें प्लेऑफ्स में जगह बनाने के लिए अपनी इस विनिंग स्ट्रीक को जारी रखेंगे। तब तक आप इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए देखते रहिए क्रिकेट नेक्स्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स, क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट।